मित्रों, अभी तक हमने हिंदी का असेसमेंट का रिवीजन करते थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक हमने कर दिया, इसका वीडियो भी हमने भेज दिया है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको व्यंजन की 12 खड़ी सीख करना है। तो व्यंजन में अभी तक हमने क से ठ तक सीखा है और उसकी 12 खड़ी भी सीखी है, लेकिन हमारे असेसमेंट में आपको क से कह तक की, क से कह, ज से जह और ठ से ठह तक की 12 खड़ी आपको लर्न करना है। इस असेसमेंट में आपको 3 ही लेटर की 12 खड़ी आपको लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। इस असेसमेंट में पूरी क से ठ तक की 12 खड़ी आने वाली नहीं है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको अभी एक दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। असेसमेंट में आपको ज से पूरा मिसिंग दिया गया है और लास्ट में आपको जह मैंने दिया है। इसमें जो मिसिंग दिया गया है इसमें आपको 12 खड़ी फिनिश करना है। तो हम इधर ये झ वाली 12 खड़ी हम करेंगे। इसी तरह से आपको क से कह तक की प्रैक्टिस करना है, ज से जह तक की और ख से ठह तक की। तो अभी मैं इधर झ लेटर से शुरू होने वाली 12 खड़ी करेंगे। पहले क्या आता है, ज, वो तो लिखा हुआ है। फिर आता है जा, ज जा, जी जी, वो सबको अभी आ गई है, लर्न हो गई है ना आपको। तो आपको इधर कोई भी लेटर दी गए है, आपको वो साइन याद रखने की है कि मुझे कौन से लेटर में कौन सी साइन करनी है। तो 12 खड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। ज जा, जी जी, फिर जू जू, बड़ा जू, फिर से ज जा, जी जी, जू जू। उसके बाद आता है जे, जे जय, एक मात्रा है तो अभी दो मात्रा, जय। जो, जू में ज लिखकर एक सेंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा, जो जऊ, इसमें एक सेंडिंग लाइन ऊपर दो मात्रा, जऊ। और जम और जह। तो उसी तरह से आपको ये 12 खड़ी फिनिश करनी है। कि फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ज जा, जी जी, जू जू, जे जई, जो जौ, जम जह। तो उसी तरह से आपको क ज और ठ की 12 खड़ी की प्रैक्टिस करना है। अभी तक हमने इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और हिंदी का भी असेसमेंट के वीडियोस आपको दिए गए हैं, तो उसको देखकर आपको रिवीजन करना है और उसी हिसाब से आपको असेसमेंट की एग्जाम में आपको ये हेल्प होगा और आपको घर पे कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। और आपको जो भी पेपर होगा उसके अगले दिन आपको ये पेपर लेने के लिए आना है। और 1 आवर में जब भी एग्जाम फिनिश होता है फिर बाद में 1 आवर में आपको वो सबमिट करने के लिए आना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।